Hello students, good morning. Today we are going to coloring in our drawing book. So take out this book and open page number 17. In this picture we have to do fill the given picture with poster color. यहाँ पे poster color लिखा है पर हमें हमारे crayon color से ही coloring करना है. ओके, तो यहाँ पे आपको color करके एक पिक्चर दिया है और बाजू में आपको कलर करना है. तो यहाँ पे फ्लावर में आप आपके फेवरेट कोई भी कलर्स यूज कर सकते हो. सो फर्स्ट मेंशन टुडेज डेट ईयर 17 अप्रैल 2021. नाउ पहले जो भी आपको कलर पसंद है फ्लावर के उसको आपको अलग से निकाल देने हैं और ऐसे आपको अलग कलर निकाल के फिर आपको जो भी कलर फ्लावर में करना है फिल वो आपको कंप्लीट करना है. सो फ्लावर्स के जो लीव्स है वो तो ग्रीन ही होते हैं तो यू हैव टू कलर इट ग्रीन. बट फ्लावर्स आप जो भी कलर के करना चाहते हो वो कर सकते हैं. देखिए इसी तरह पहले आपको लीव्स में कलर कर लेने हैं फिर फ्लावर में आपको जो भी कलर आपका फेवरेट है. फ्लावर्स तो सारे कलर के होते हैं इसलिए आप कोई भी कलर फ्लावर में फिल कर सकते हैं. देखिए ऐसे आपको पूरा फ्लावर कलर अपने फेवरेट कलर से करना है. अंडरस्टैंड. चलो अभी नेक्स्ट आपकी जो ड्राइंग बुक है उसमें आपने पहले ऐसे लाइंस ड्रॉ करने सीखे थे. फर्स्ट शेप सीखे थे फिर लाइंस और आज हम क्या सीखेंगे हाउस ड्रॉ करना सीखेंगे. सो फर्स्ट टेक आउट योर drawing book and write CW 17 for 21. Now हम मेरे साथ आपको step by step house draw करना है. So first ऐसे आपको पूरा square बनाना है. So square करना है पर ऊपर की line बाद में draw करनी है. So first you have to draw square. फिर square करके आपको क्या करना है स्क्वायर का ऊपर का लाइन है उसमें आपको ऐसे दोनों साइड सेम साइज की एक लाइन ड्रॉ करनी है. बहुत इजी है आप मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप करोगे तो फिर आपको ड्रॉ करना भी आ जाएगा और उसके बाद आपको कलर करना है. देखिए ऐसे हो गया पूरा स्क्वायर. फिर यहां से आपको थोड़ी स्लैंट लाइन लेनी है और यहां से भी सेम स्लैंट लाइन. ये हो गया फिर यहां से ऊपर आपको एक स्लिपिंग लाइन ऐसे और यहां से जो खुली हुई है वो स्लिपिंग लाइन पूरी कर देनी है ऐसे. फिर यहाँ पे जो रूफ का पार्ट है वहां पे आपको ऐसे बीच में पूरी लाइन ड्रॉ कर देनी है. फिर जो बीच का स्क्वायर है उसमें हमें दो छोटे छोटे स्क्वायर बनाने हैं और उसके बीच में ऐसे प्लस कर देना है. तो ये हो गई विंडो. अंडरस्टैंड. और यहाँ पे हमें एक डोर ड्रॉ करना है तो डोर के लिए हम कौन सा शेप करेंगे पहले ऐसे और सेमी सर्कल लेना है ऐसे आपको डोर बना देना है. ओके, ऐसे तरह आपको पहले पूरा ड्रॉ कर देना है फिर उसमें आपको जो भी कलर अच्छा लगता है वो कलर फिल करना है. देखिए ऐसे पूरा फिर आपको मैंने यहाँ पे रूफ में मल्टी कलर किया है तो आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो और ऐसे पूरा पिक्चर कंप्लीट करना है. ओके,
Thank you. Bye. Have a nice day.